नमस्कार दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। दोस्तों, जब आप लोग देखेंगे कि किस तरीका से इस समय ऋषि और लक्ष्मी दोनों ही एक दूसरे के करीब जा तो रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर नीलम ने एक बहुत बड़ा पैतरा अजमा दिया है, क्योंकि नीलम को पता है कि अगर मैं किसी तरीका से ऋषि से जबरदस्ती करूँगी तो ऋषि तभी इस घर में आ सकता है। आप लोग जानते हैं कि कहानी एक नहीं बल्कि समय कई मायनों में बेहद ज़्यादा खास और बेहद ज़्यादा अलग देखने को मिल रही है, क्योंकि सभी लोग थोड़ा नहीं बल्कि घने ही ज़्यादा सस्पेंस में हैं। आपको बता देता हूं कि समय नीलम ने ये धमकी और दी है कि मैं खाना पीना सब कुछ त्याग दूंगी अगर मेरे अनुसार कुछ नहीं होता है तो। आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर पूरी तरीका से चाल पट्टी सब लोग खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो एक बेहद बड़ी रियलिटी है ही। लेकिन आखिरकार यहाँ पर समझ नहीं आ रहा कि लक्ष्मी से आखिर कराना क्या चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पर नीलम ने बोला है कि लक्ष्मी को और ऋषि को एक बार घर आना होगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मलिष्का की शादी के लिए इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करना, वाकई में ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बहादुरी है और क्या करना चाहती है आखिरकार। यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि मलिष्का और नीलम का ही ये पूरी तरीका से गिरा हुआ प्लान है, और आप लोग जानते हैं कि ये प्लान क्यों गिरा हुआ है और कैसे है, क्योंकि सभी लोगों का मानना ये है कि जो करती है नीलम वो एक अलग ही लेवल का सोच के करती है, और इस समय जो नीलम की सोच है वो वास्तविक दोस्तों बेहद ज़्यादा गिरी हुई है, बेहद ज़्यादा शर्मनाक है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पर ऋषि थोड़ा सा अपसेट जरूर नज़र आ रहे हैं, और ऋषि की अपसेट होने की वजह भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि सभी लोगों के सामने ऋषि जानते हैं इस चीज़ को कि नीलम कभी भी कुछ भी कर सकती है, अपने चालपट्टी खेल सकती है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए गाइस कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, धन्यवाद।